हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट। तो कटिंग ऑफ मिरर क्या होता है, देखो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ के लेना। कटिंग ऑफ मिरर के अंदर क्या हमें पढ़ना है, देखो मान लो आपको एक ऐसे कॉनकेव मिरर दिया है, कॉनवेक्स भी हो सकता है, सही है। एक कॉनकेव मिरर दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है, ये वाला उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला उसका फोकस मान लो, सही है। पहले हम लोग इजी एग्जांपल लेंगे, इजी से टफ की तरफ जाएंगे। आपसे क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो हमें पता इमेज भी कहाँ पर बनेगा, सेंटर पे, मतलब इमेज भी इसी पॉइंट पे बनने वाला है। चलो अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो अभी हमें पता है जो रे ऑफ लाइट सेंटर से जाता है अपॉन रिफ्लेक्शन भी सेंटर से जाएगा, तो एक रे ऑफ लाइट जो इधर जाएगा अपॉन रिफ्लेक्शन यहाँ से जाएगा, एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आएगा अपॉन रिफ्लेक्शन यहाँ से जाएगा, एक रे ऑफ लाइट मान लो ये वाला है तो इधर ही जाएगा। ऐसे कितने रे ऑफ लाइट आएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, उसमें से मैंने कितने रे कंसिडर किए, पाँच। तो जो सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रहा है अपॉन रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है, सेंटर से, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, राइट। कट कहाँ से करेंगे हम लोग, तो देखो इतना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को मैं कट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करेंगे, राइट। तो कट करने के बाद डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये डायग्राम होगा ऐसे, ये आपका है कॉनकेव मिरर, सही है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये इसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इसको हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कट किया है, राइट। कौन सा पार्ट कट किया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस मिरर को हम लोगों ने कट किया है, राइट। तो देखो कट करने के बाद अभी कैसे होगा, ये आएगा आपका पॉइंट, पोल आएगा, राइट। ये बीच वाला पार्ट हम लोगों ने कट किया, कौन सा भी पार्ट आप लोग कट कर सकते हो। कट करने के बाद देखो कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इस पॉइंट पे रखा है तो इमेज भी अगेन कहाँ पे फॉर्म होगा, उसी पॉइंट पे फॉर्म होगा, राइट। ये देखो अगर आप लोग सिंपल इसको कट कर रहे हो तो कट करने के बाद उसका फोकल लेंथ या सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर सारा का सारा सेम रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, सेंटर पे, राइट। तो आफ्टर कटिंग उसका ना फोकल लेंथ चेंज होगा, ना सेंटर चेंज होगा, ना रेडियस चेंज होने वाला है। इसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो देखो एक रे ऑफ लाइट जो इधर जा रहा था अपॉन रिफ्लेक्शन इधर चला गया, एक रे ऑफ लाइट जो इधर जा रहा था अपॉन रिफ्लेक्शन इधर चला गया। तो ये जो दो एक्सट्रीम रेज है वो रे के केस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया। बट ये जो तीन रेज है, देखो ये तो रे सीधा जाने वाला है, ये वाला रे सीधा जाएगा, इवन ये वाला भी रे सीधा जाएगा। एंड इमेज कब बनता है, व्हेनेवर एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहीं पर अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इमेज बनता है। अभी टोटल पांच रे मैंने कंसीडर किए हैं, पांच रे में से दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर इमेज बनाएंगे, तीन रे ऑफ लाइट सीधा आगे जाने वाले हैं, वो कभी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो गए क्योंकि उसके आगे मिरर ही नहीं है। तो दोनों डायग्राम में देखो, एक डायग्राम में बिफोर कटिंग, एक डायग्राम में आफ्टर कटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो इसमें भी क्या था, ऑब्जेक्ट इमेज एक ही पॉइंट पे बना, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इमेज एक ही पॉइंट पे बना, नंबर ऑफ इमेज सेम है, चेंज हुए, नंबर ऑफ इमेज भी क्या है यहाँ पर सेम है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ मैं कि आफ्टर कटिंग इमेज विल फॉर्म एट सेम पोजिशन और सेम पॉइंट, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इवन नंबर भी चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही उतना बाद में रहेगा। तो ये जो कटिंग किया उसका क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, तो देखो जो नया इमेज बना है वो सिर्फ दो रे ऑफ लाइट से बना है, मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेनेवर यू कट अ मिरर, इन दैट केस उसका इमेज का डिस्टेंस या नंबर ऑफ इमेज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आने वाला है, इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, जहां से कट किया है वहां से कुछ रे ऑफ लाइट सीधा चले जाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं हो गए, इसकी वजह से क्या होगा, उसका इंटेंसिटी
घटेगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये था आपका पॉइंट कटिंग ऑफ मिरर। तो इस केस में हम लोग ने सिर्फ कट किया। अगर हम लोग इसको कट करके शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में कैसा आएगा, देखो डायग्राम। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, हेडिंग लिखो कटिंग ऑफ मिरर के बाद, कटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ मिरर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कटिंग तो कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ कटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ मिरर, राइट। तो कट करने के बाद शिफ्ट कर रहे तो डायग्राम कैसा आएगा देखो। चलो नया डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, समझ के लेना है, फॉर्मूला का यूज करना है बहुत सारे यहाँ पर। देखो ये वाला आपका मिरर कॉनकेव मिरर है, ये वाला उसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल है, ये उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको कट मारा, राइट, जो छोटा सा कट मारा है। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट मान लेना ए है, नीचे वाला पार्ट मान लेना बी है। तो ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, अच्छा जब कट किया, ए पहले ए बी एक ही पार्ट था, जब हम लोगों ने इसको कट किया ए पार्ट अलग हुआ बी पार्ट अलग हुआ, तो ए पार्ट को हम लोग थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, बी पार्ट को थोड़ा सा हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे। तो आफ्टर कटिंग एंड शिफ्टिंग देखो ये कैसे बनेगा डायग्राम, ये डायग्राम बनेगा ऐसे। ये आपका था प्रिंसिपल एक्सिस, पहला वाला पी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था पहला वाला। जब मैंने इसको शिफ्ट किया मिरर को ऊपर की तरफ, तो ये पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट, एंड बी पार्ट देखो इधर आ गया, दिस इज योर बी पार्ट, राइट। कितना डिस्टेंस इसको शिफ्ट किया, मान लो डी वन डिस्टेंस, इसको कितना शिफ्ट किया, मान लो डी टू डिस्टेंस शिफ्ट किया। अभी हम लोगों ने सिर्फ मिरर को कट नहीं किया, मिरर को कट करके शिफ्ट भी किया, ऊपर वाले पार्ट को डी वन डिस्टेंस, नीचे वाले पार्ट को डी टू डिस्टेंस। तो अगर एक मिरर को तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो तो उसका सेंटर भी चेंज होगा, सेंटर चेंज होगा तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा। तो इसका जो नया पोल बनेगा यहाँ पर आएगा पी वन, एंड इसका नया पोल यहाँ पर आएगा पी टू, इसका सेंटर आएगा यहाँ पर दैट इज सी वन, एंड इसका सेंटर यहाँ पर आएगा दैट इज सी टू। तो एक नया प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा और यहाँ पर भी एक नया प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। तो दिस इज ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अपर पार्ट, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर लोअर पार्ट। तो बिफोर कटिंग एक ही प्रिंसिपल एक्सिस था, आफ्टर कटिंग हमारे पास तीन, यहाँ पे दो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दो नए वाले और एक क्या है पुराना वाला, सही है, ओके। चलो उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, अगर एक ऑब्जेक्ट बोलो यहाँ पर है सेंटर पे है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। इस डायग्राम के लिए इसका इमेज यहीं पर बनने वाला है और एक ही इमेज बनेगा बिफोर कटिंग वाले डायग्राम में। आफ्टर कटिंग देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है इसी पॉइंट पे, जो ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस था वहीं पे आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ पे बनना है ये हमें देखना है। तो अभी ऊपर वाले मिरर के लिए देखो, ऊपर वाले मिरर के लिए अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले मिरर के लिए अलग सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले मिरर के लिए ये सेंटर है, एंड ये सेंटर से आपका जो ऑब्जेक्ट है कितना दूरी पे है, कितना हाइट पे है, डी वन हाइट पे है। तो हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर वाले लाइन पे है तो इमेज भी सेंटर वाले लाइन पे बनेगा, राइट। सेम उसके बाद क्या होगा, अगर सेंटर वाले लाइन पे है तो उस केस में उसका जो इमेज बनेगा उसका इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो सेम साइज का इमेज बनता है। तो यहाँ पे आपका इमेज बना आई वन। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे तो उसका इमेज ऊपर बना, बट नीचे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है सेंटर पे है तो उसका इमेज भी सेंटर पे बनेगा एंड सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे था, डी टू पे, तो उसका इमेज भी कितना दूरी पे आएगा, डी टू पे। तो यहाँ पे इमेज क्या बना, आई टू बना, राइट। तो फाइनली कटिंग एंड शिफ्टिंग का डायग्राम ये वाला बना। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, दो, आई वन एंड आई टू, राइट। कट एंड शिफ्ट करने के बाद दो इमेज मिले, आई वन एंड आई टू। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोलो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई वन एंड आई टू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई वन एंड सेंटर, आई टू एंड सेंटर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर दिस डायग्राम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई वन एंड आई टू, तो डी वन प्लस डी वन प्लस डी टू प्लस डी टू आएगा, सही है। अब ये कुछ, ये तो आपका एक जनरल केस था, इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल केस लेंगे, वैल्यूज लेंगे
कि मिरर का फोकल लेंथ कितना है, रेडियस कितना है, डी वन कितना, डी टू कितना, और उससे सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपसे बोला गया कि एक कॉनकेव मिरर है, राइट। दिखाई दे रहा है आपको कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेना 40 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है? तो 25 सेंटीमीटर पे है, राइट। उसके बाद आपसे क्या बोला गया, देखो यहाँ से हम लोगों ने मिरर को कट किया, यहाँ से कट किया, एंड ये ऊपर वाले पार्ट को ऊपर लेके जा रहे बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, नीचे वाले पार्ट को नीचे लेके जा रहे बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। जितने भी इमेज बनेंगे ना, हालांकि इसके लिए दो ही बनने वाले हैं, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस मतलब टू इमेजेस, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, डेटा डेटा को समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे हम लोग, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। देखो क्या है, ये आपका पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है आपका ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इसका पोल था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अभी ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ऊपर लेके चले गए एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग नीचे लेके आ गए, राइट। अभी देखो ऊपर वाले पार्ट का नया प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, नीचे वाले पार्ट का भी नया प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर वाला पार्ट कितना ऊपर लेके चले गए? 2 मिलीमीटर। नीचे वाला पार्ट कितना आ गया? 1 मिलीमीटर आ गया, सही है, ओके। उसके बाद देखो, अच्छा इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर। मतलब आपका सेंटर यहाँ पे कहीं तो आने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? 25। तो मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सेंटर पे नहीं रखा, तो इमेज सेंटर पे बनेगा क्या? नहीं। इमेज अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं है तो इमेज भी सेंटर पे नहीं है, तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा क्या? नहीं, साइज कुछ तो अलग ही आने वाला है, वो बाद में देखेंगे क्या आता है साइज। तो अभी ये मिरर नंबर वन मान लो, ये मिरर नंबर टू मान लो। सॉल्व करते हैं मिरर नंबर वन के लिए। मिरर नंबर वन के लिए देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे है, कितना डिस्टेंस पे? 2 मिलीमीटर पे। एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा इसके लिए? 25 सेंटीमीटर। तो मिरर नंबर वन के लिए, मिरर नंबर टू के लिए भी देखो, ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करके लेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज कितना डिस्टेंस पे बनने वाला है, ये फाइंड करके लेंगे। तो देखो यू कितना दिया है, ये पोल है, तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो यू का वैल्यू कितना? -25 सेंटीमीटर। फोकस कितना दिया है? देखो रेडियस 40 दिया, तो -20 सेंटीमीटर। वी निकाल के लेंगे, वी क्या होता है? यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। ये यू कितना है? -25। एफ कितना? -20 डिवाइडेड बाय -25 प्लस 20 आएगा, तो ये कितना होगा? ये आएगा -5। तो ऊपर देखो 25 × 20 डिवाइडेड बाय -5, तो ये कितना आएगा? 5 × 4 = 20 विच इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। जो मतलब आपको इमेज मिलेगा कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पर इमेज मिलेगा -100 सेंटीमीटर पे। तो ये पोल है, इसके रिस्पेक्ट में 100 सेंटीमीटर पे इमेज मिलने वाला है। तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो 100 सेंटीमीटर पे आएगा। उसके बाद उसका हाइट देखते हैं हम लोग, हाइट कितना आएगा, किस हाइट पे मिलने वाला है, अच्छे से देखना है। यहाँ पर क्या, कितना डिस्टेंस मिला हमें? इमेज डिस्टेंस -100 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या चेक किया जाएगा? इमेज का हाइट कितना। तो मिरर नंबर वन के लिए देखो, जो ऊपर वाला मिरर है आपका, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया जाएगा? -2 मिलीमीटर। एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर मिरर नंबर वन फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? -V/U हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस वी कितना है? देखो वी है 100, -100, यू कितना है? -25 × -2, तो माइनस माइनस प्लस, 100 / 25 कितना? 4, ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना मिला, 8 मिलीमीटर। कितना मिला हमें हाइट ऑफ इमेज, 8 मिलीमीटर। अभी देखो इससे क्या समझ में आता है, मिरर नंबर वन के लिए हाइट ऑफ इमेज प्लस मिला। ये प्लस कहाँ का है, अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका जो इमेज बनेगा ये यहाँ पर कहीं तो बनेगा आई वन, कितना डिस्टेंस पे, 8 मिलीमीटर पे, कितना 8 मिलीमीटर पे। अभी आते हैं मिरर नंबर टू के लिए हम लोग, तो मिरर नंबर टू के लिए देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर नंबर टू का प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ऊपर है, कितना डिस्टेंस पे ऊपर है, 1 मिलीमीटर पे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, प्लस 1 मिलीमीटर। हमें हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है, हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, माइनस वी बाई यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस 100 बाय माइनस 25 इंटू 1 मिलीमीटर, तो ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा, सही है। और ये कितना आएगा फिर, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 मिलीमीटर। अब ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, किसके लिए, मिरर नंबर टू के लिए। तो मिरर नंबर टू के लिए प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे, राइट, यहाँ पर आपको आई टू मिलेगा, क्या है उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, क्या है डिस्टेंस उसका, 4 मिलीमीटर। तो फाइनली देखो हमारे पास ये कटिंग एंड शिफ्टिंग करने के बाद कितने इमेज बने हैं, 2, आई वन एंड आई टू, दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना, ये पूछा गया था ना, नंबर ऑफ इमेज कितने हैं, 2, डिस्टेंस देखो 8, 2, 1, 4। तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर प्लस 4, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगेन और एक बार तुम लोग ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ समझ के लेना है कैसे कैसे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कब नीचे आएगा कब ऊपर आएगा, राइट। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का ही। ओके चलो और एक क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर। क्या दिया है क्वेश्चन, अभी देखो अगेन आपको एक कॉनकेव मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखो, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, सही है। कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो बोला गया आपको, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है कितना दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। ये आपका पार्ट है पी, ये ऊपर का पार्ट मान लेना एम है, ये नीचे का पार्ट मान लो एन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, कंसीडर कॉनकेव मिरर एम पी एन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इफ मिरर इज कट एट अ पॉइंट पी एंड पार्ट पी एम इज शिफ्टेड अपवर्ड बाय 4 मिलीमीटर एंड पार्ट पी एन इज शिफ्टेड बाय 6 मिलीमीटर डाउनवर्ड, फाइंड सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये पी से हम लोगों ने कट किया, इसको ऊपर शिफ्ट किया कितना 4 मिलीमीटर एंड इसको नीचे शिफ्ट किया कितना 6 मिलीमीटर। तो बोलो डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस कितना आएगा यहाँ पर, राइट। तो स्क्रीन पर वीडियो पॉज कर लेना तुम लोग, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना तुम लोग। चलो क्या दिया है यहाँ पर, आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है, अभी उसको मिरर को कट किया, एक ऊपर पार्ट है और एक वह पार्ट कहाँ पर है, नीचे है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, एम पी है, सही है। नीचे वाला पार्ट कौन सा है, एन पी है। अभी ये ऊपर वाले मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, नीचे वाले एक मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये वाला आपका पॉइंट पी, ये पी वन ये पी टू मान लेता हूँ, राइट। ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 4 मिलीमीटर एंड ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 6 मिलीमीटर।
अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम ऐसा आएगा, अभी करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। अभी कितने मिरर है हमारे पास, हमारे पास एक्चुअल में एक ही मिरर था, उसको कट करने के बाद कितने मिरर बने, दो मिरर बने, एक पार्ट ऊपर चला गया एक पार्ट नीचे चला गया, सही है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। अभी सॉल्व करते हैं मिरर नंबर वन के लिए, बट उसके पहले देखो मिरर नंबर वन के लिए या मिरर नंबर टू के लिए ऑब्जेक्ट सेंटर पे है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होगा, अभी देखो ये फोकल लेंथ 10 है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, तो हमें सबसे पहले इमेज डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ लो। यू कितना, देखो इमेज डिस्टेंस ढूंढने के यू कितना है, -15 सेंटीमीटर, या आपका फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो वी सॉल्व करो, वी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ मिरर, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, ये कितना आएगा यहाँ पर, यू कितना है, -15 × -10 / -15 + 10 विच इज इक्वल टू 150 / -5 विच इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो इमेज बनेगा पोल से इस साइड पे 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस पता चला, इमेज का लोकेशन नहीं, अभी इमेज का लोकेशन फाइंड करेंगे। तो फॉर मिरर नंबर वन, मिरर नंबर वन के लिए मतलब ऊपर वाला मिरर, उसके लिए सॉल्व करते हैं ये मिरर नंबर वन, ये मिरर नंबर टू। मिरर नंबर वन के रिस्पेक्ट, मिरर नंबर वन के प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है, नीचे है, कितना डिस्टेंस नीचे है, 4 मिलीमीटर डिस्टेंस नीचे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, -4 मिलीमीटर आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आता है, -V/U हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये माइनस क्या आएगा यहाँ पर, वी कितना है, देखो वी है -30, यू है आपके पास कितना, -15, एच नॉट कितना है, -4, राइट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 × 2 = 30, 2 × 4 कितना 8, एच आई कितना है यहाँ पर, +8 मिलीमीटर। तो फॉर मिरर नंबर वन आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 8 मिलीमीटर अबो प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आते हैं हम लोग मिरर नंबर टू पे, मिरर नंबर टू पे क्या है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर नंबर टू के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, कितना डिस्टेंस पे है, 6 मिलीमीटर पे है, तो ये आएगा +6 मिलीमीटर, राइट। हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, -V/U, वी कितना, -30, यू कितना, -15 × 6, ये आएगा 2, -2 × 6 = 12, तो हाइट ऑफ इमेज कितना, -12 मिलीमीटर। तो इसके लिए आपका जो इमेज बना नीचे बनेगा कितने पे, 12 मिलीमीटर पे। तो फाइनली आपके पास दो इमेज है, एक I1 एक I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 8 + 4 + 6 + 12, तो 12 + 8 कितना, 20, 4 + 6 = 10, 20 + 10 वो कितना आएगा, 30 मिलीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस विल बी 30 मिलीमीटर, राइट। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ मिरर का क्या फर्क पड़ेगा। सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।